बलरामपुर नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ थाना ललिया क्षेत्र के रसईपुरवा गांव में मंगलवार की आधी रात करीब 1 बजे हुई तेज धमाके से पूरा गांव सहम उठा। धमाके की आवाज़ आसपास के गांव रामनगर, रसईपुरवा, जोखवा सहित 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। गांव में रहने वाले जिवरील के आवासीय पक्के मकान में हुए विस्फोट धमाके से आसपास घरों के दीवार चटक गई। ग्रामीणों का कहना है कि जिबरील अपने घर में विस्फोटक छिपा कर रखा था जिससे फट गया। आधी रात से ग्रामीण दहशत में है। बुधवार सुबह फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। एसएसपी का कहना है कि विस्फोट हुआ है लेकिन कैसे हुआ है इसकी जांच की जा रही है। कितने बजे रात का है? अच्छा, किसके वजह से विस्फोट हुआ है, कौन सा पदार्थ था? वो बैटरी रहा साहब, धरा रहा, लेकिन पंखा लगाए नहीं, मोबाइल लगाए चार्ज पे। हाँ, अब निदान रहे, छत पे बहुत गर्मी रहा, मासा लागत रहे, नीचे आए उतर कर और पंखा लगाए। अब का पता उल्टा पुल्टा होएगा तार और सोई गया। वो बैटरी लग गया तो मतलब किसी कोई चोट नहीं, नहीं, कोई चोट कोई नहीं, नहीं था। क्या क्या नुकसान हुआ है? कुछ नुकसान कुछ ना, बिल्कुल डबलिया ही गिर हिल रहा है। ईटा लग मंगावा का है कि एका तुरा गिरवाई तो बालू नहीं मिला करे वजह चुप रहा कि तो तुम ही बोलो तो बालू नहीं मिला साहब करे वजह से अभी ना ई अब लग गिर के बन जा। आज सुबह 9 बजे थाना ललिया के अंतर्गत ग्राम रसईपुरवा में पुलिस को सूचना मिली कि गांव में रात्रि में 1 बजे जिब्रील के यहाँ विस्फोट हुआ है। पुलिस मौके पर गई और पुलिस ने जो है वहाँ जानकारी दी तो पता चला कि जिब्रील के पास पटाखे बनाने का एक लाइसेंस है जो 2024 तक वैलिड है और इस घटना में कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई है। पुलिस द्वारा आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।